इंडिया ने खोल दिया अपना नाशक द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बाई साइनिंग अ हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट विद मॉरिशियस जो कि अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है। दो तरह के ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है बायलैटरल, एक होता है मल्टीलैटरल। बायलैटरल होता है जहां पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, और मल्टीलैटरल वो होता है जहां पे दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो होता है जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे को प्रेफरेंशियल बेनिफिट देती है, जैसे कि इंपोर्ट टैरिफ्स को कम कर देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में छूट देना, और FDI को प्रमोट करना फ्रॉम द पार्टनर कंट्री, ताकि वो फ्यूचर में वहाँ पे कोई फर्म सेटअप कर सके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सके। इस एग्रीमेंट को हिस्टोरिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। प्लस हम मॉरिशियस के साथ ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस में है, और इस एग्रीमेंट के बाद हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मॉरिशियस के मार्केट का मेजर एक्सेस मिल पाएगा। वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज्यादा इजीली बेच पाएंगे और उनके मार्केट का ज्यादा एक्सेस मिल पाएगा अब हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को। प्लस पोस्ट कोविड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन है उसको भी बूस्ट करने में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काम करेगा। और फाइनली इस एग्रीमेंट का जो नाम है वो है CECPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अलावा मॉरिशियस को भी इंडियन मार्केट का एक्सेस मिलेगा। उनकी जो फ्रोजन फिश इंडस्ट्री है जो कि एक ह्यूज इंडस्ट्री है, वहाँ की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे इस इंडस्ट्री में एंगेज है, वो फ्रोजन फिश अब मॉरिशियस इंडिया को एक्सपोर्ट कर पाएगा एट अ चीपर रेट। अब इंडियन कस्टमर्स फ्रोजन फिश को एंजॉय कर पाएंगे फ्रॉम मॉरिशियस एट अ चीपर रेट, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी एट फ्रोजन फिश भी कम हो जाएगी इस एग्रीमेंट के तहत।